ई कॉमर्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो इंग्लिश है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट सोर्सिंग इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल फील होता है कि उसमें आपने डिफरेंट लोगों से बात करनी होती है। मेरी तकरीबन मंथली अर्निंग जो बेसिक है वो 1,20,000 तक है, बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स करके 1.5 लाख तक हो जाती है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, मुश्किल तो वो होता है जिसको हम मुश्किल समझ लें। आप ये ना सोचें कि आप अगर फेल हो गए तो क्या होगा, आप ये सोचें अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा। प्राइवेट लेबल बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें आपने बेसिकली रैंकिंग करनी होती है, उसमें आपने एड्स के खर्चे देने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनकी कहानी बहुत ही दुख और दर्द भरी है। इनकी वालदा का इंतकाल हुआ 2019 में, जिसके बायस ये अपने मार्क्स FSC में इंटर में अच्छे नहीं ले सके। उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ, किस तरह से अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाऊं, किस तरह अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाऊं। फिर इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया और ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट की। साकिब अज़हर साहब की एक वीडियो देखी, उस वीडियो ने इनको इतना मोटिवेट किया कि इन्होंने एनेबलर्स को ज्वाइन किया और ई कॉमर्स से अर्निंग स्टार्ट की। हम ये सारी बातें इनसे जानेंगे कि एक आम इंसान के लिए ई कॉमर्स में आना और फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना जहां से वो कामयाबी की तरफ, अर्निंग की तरफ जा सके, वो कैसे मुमकिन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स की तरफ आने का इरादा कब किया? तो मेरा भी ई कॉमर्स में आने का सफ़र जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ, जब मैंने सर खुर्रम खालिद की एक वीडियो देखी जिसमें वो प्राइवेट लेबल अमेज़न बिज़नेस के बारे में कुछ बात कर रहे थे, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैंने इनेबलर्स और के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहा, फिर COVID-19 आया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं था तो उस टाइम मैंने फिर इनेबलर्स का EVS एक्सेस लिया। EVS की एक्सेस लेके मैंने काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन 1.5 लाख तक पर मंथ अर्न कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, वो अपने कौन से स्किल्स को डेवलप करें ताकि जब वो ई कॉमर्स में आके काम करें तो कामयाब हो सके? ई कॉमर्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पर आपको हर किसी से बात करने के लिए इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप आराम से बाकी लोगों को कम्युनिकेट कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें। सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने गुफ्तगू में अभी मुझे बताया था कि आपको सबसे मुश्किल काम प्रोडक्ट सोर्सिंग लगा, तो आपको क्यों मुश्किल लगा प्रोडक्ट सोर्सिंग? बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल फील होता है कि उसमें आपने डिफरेंट लोगों से बात करनी होती है, डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं तो हर इंसान का डिफरेंट कैलिबर होता है, उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है। उसमें आपको हर बंदे के नफ्सियात के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके हिसाब से निगोशिएट करना पड़ता है और आपको अपना बिज़नेस भी उसके अंदर ही मैनेज करना होता है, तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। सर, ये तो जब हमने क्लाइंट्स को ग्रैब करना होता है या क्लाइंट्स के साथ बातचीत करनी होती है तब भी उनके मुताबिक ही चलना होता है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है कि जो क्लाइंट्स हैं वो उनको आप समझा सकते हैं अपनी बात, वो आप उनको जब उनकी बिज़नेस के बारे में गाइड करेंगे तो वो आपके सजेशन को लेंगे, जबकि आप सोर्सिंग में आप उनको सजेशन नहीं दे रहे बल्कि आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अपने मार्जिन के अंदर अंदर चाहिए और गुड क्वालिटी में चाहिए और डिफरेंट चीज़ें जो सोर्सिंग के ज़रूरी हैं वो हमें ज़रूरी होती हैं, मगर इस तरह उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको ई कॉमर्स में आए हुए कितना वक्त हो गया है और आप इस वक्त मंथली एवरेज अर्निंग आपकी कितनी है? मुझे ई कॉमर्स में आए हुए तकरीबन 1.25 से 1.5 साल हो चुका है और मेरी तकरीबन मंथली अर्निंग जो बेसिक है वो 1,20,000 तक है और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स करके 1.5 लाख तक हो जाती है। सर, आपकी तालीम कितनी है और आपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, उस बारे में कहाँ तक पहुँचे हैं आप? मैंने बेसिकली FSC इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसके अलावा मैंने BBA स्टार्ट किया था जनवरी 2021 में, लेकिन उसको मैंने फ़िलहाल पोज किया हुआ है क्योंकि मैं अभी अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बिज़नेस में सेटल कर रहा हूँ अमेज़ोन के, तो इंशाल्लाह साथ साथ डिग्री भी है और साथ साथ बिज़नेस भी है। सर, आपको स्टडी मुश्किल लगी या ई कॉमर्स में आगे काम करना मुश्किल लगा? स्टडी बेसिकली एक ईजी चीज़ है और प्रोफेशनल लाइफ एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, मुश्किल तो वो होता है जिसको हम मुश्किल समझ लें, तो ये मुश्किल नहीं, मुश्किल कोई कुछ भी नहीं है।
नहीं सर, अगर हम किसी स्टूडेंट के साथ बात करें तो वो तो यही कहता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो क्या ई कॉमर्स भी उतनी मुश्किल है जितनी पढ़ाई मुश्किल है? ई कॉमर्स इतनी मुश्किल नहीं है, वो आपके अपने कैलिबर पे है, आप उसको कितनी जल्दी चीज़ को पिक करते हैं और उसको समझते हैं। आप जितनी जल्दी चीज़ को समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एज सच जिनको पढ़ाई मुश्किल, हर बंदे का अपने लिए मुश्किल होती है, लेकिन ई कॉमर्स इतना मुश्किल काम नहीं है। सर, इनेबलर्स का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? इनेबलर्स का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है और बहुत ही सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी हमारी कोशिश होती है हम किसी को भी जो है गाइड ना करें, वो हमारे बराबर ना आ सके, लेकिन इनेबलर्स का एक ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया कि हर बंदा एक दूसरे की मदद करना चाहता है, एक दूसरे के साथ चलना चाहता है, एक दूसरे को ग्रो होता देखना चाहता है। तो ये इनेबलर्स की सबसे अच्छी बात लगी और उन्होंने इस चीज़ में बहुत सपोर्ट भी किया। सर, मुझे ये बताइएगा कि साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, स्किल्स को प्रमोट किया जाए ताकि इन द लॉन्ग रन लोग अर्न कर सकें, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनके विज़न को कैसे देखते हैं? सर, साकिब अज़हर का ये विज़न बहुत ही ग्रेट है। उनका एक कोट ये भी है कि वो कहते हैं कि आप ये ना सोचें कि आप अगर फेल हो गए तो क्या होगा, आप ये सोचें अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा। तो ये जब विज़न हम रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह हम सब कामयाब हो सकते हैं। सर, आपके फ्यूचर गोल क्या हैं? आप प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आना चाहते हैं, होलसेल बिज़नेस में आना चाहते हैं, या बतौर वर्चुअल असिस्टेंट ही कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैं फिलहाल अभी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ साथ मैं अब अपना अमेज़ॉन FBA होलसेल का बिज़नेस भी स्टार्ट करने लगा हूं विद इन 2-3 मंथ्स। तो इंशाल्लाह अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट और एज अ सेलर दोनों तरीक़ों से काम करूंगा मैं। सर, ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है, होलसेल बिज़नेस ज़्यादा मुश्किल है या प्राइवेट लेबल बिज़नेस ज़्यादा मुश्किल है? प्राइवेट लेबल बिज़नेस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें आपने बेसिकली रैंकिंग करनी होती है, उसमें आपने एड्स के खर्चे देने हैं, उसमें आपने अमेज़ोन की फ़ीस जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा भी होती हैं, वो भी आपने पे करनी है। तो इसमें आपको जो होलसेल का बिज़नेस है उसमें आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आपको उसमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उसमें आपको प्रोडक्ट की इमेजिंग नहीं करवानी पड़ेगी। तो प्राइवेट लेबल थोड़ा सा इस वजह से कॉस्टली भी है और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी उसका ज़्यादा है। सर, कम से कम कितने क्लाइंट्स अगर इंसान के पास आ जाएं, वर्चुअल असिस्टेंट के पास आ जाएं, तो वो 1.5-2 लाख इजीली कमा सकता है? कम से कम तो 3 क्लाइंट्स एक दिन में एक बंदा मैनेज कर सकता है और 1.5-2 लाख ये तो एक बेसिक बन सकती है। इससे ज़्यादा भी अगर आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, आपके पास और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक बंदा एक दिन में 3 क्लाइंट्स आराम से मैनेज कर सकता है। ई कॉमर्स में नए आने वालों को आप क्या नसीहत करेंगे, वो किस तरह आएँ, किस तरह काम करें? ई कॉमर्स में आने वालों को यही नसीहत है कि वो सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें और दूसरी चीज़ यह है कि अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करें कि जितना ज़्यादा लर्न करेंगे बाद में वो उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि वो सब्र जो है उसका दामन ना छोड़ें, सब्र बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। सर, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कोई बहुत ही अच्छी जॉब की, 2-3 लाख रुपया सैलरी हो, साथ गाड़ी हो, तो क्या आप ई कॉमर्स को छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा ई कॉमर्स को। उसकी क्या वजह है? ई कॉमर्स में बेसिकली फ्रीडम है, मुझे इस चीज़ की फ्रीडम है कि मैं किसी भी वक्त बैठ के कहीं पर भी बैठ के उसका काम कर सकता हूँ। जॉब में यह है कि मुझे एक स्पेसिफिक जगह जाना पड़ेगा, मुझे अपना टाइम भी लगाना पड़ेगा, जबकि मैं ई कॉमर्स का बिज़नेस अपने घर बैठ के भी कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो इसका और फ्रीडम है मुझे हर जगह जाके बैठ के काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ख़ास तौर पे जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी इंग्लिश को डेवलप कर लें तो वो भी ई कॉमर्स में आके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।